और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एक मिनट, मेरे से गड़बड़ हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था शायद। वेलकम बैक टू माई गेमिंग चैनल दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सिचुएशन लेकर आ गया हूँ जहां पर मैं एक खतरनाक भूतिया लेबोरेटरी में फंसा हुआ हूँ। इस लेबोरेटरी में सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ से जल्द निकलना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं निकले तो हमारी जान लेने के लिए कितने लोग उतारू है ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। डायरेक्टली चलते स्क्रीन पर, बिना देरी किए इस खौफनाक खतरनाक भूतिया गेम की शुरुआत करते हैं। ये देखो भाई, शुरुआत में ही हमको दिखा दिया गया है और कुछ कुछ लिख के डराने की कोशिश की जा रही है कि अब आप एक भूतिया लेबोरेटरी में एंटर करने जा रहे हो जहां से आपका निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लिफ्ट की कहानी यह है कि हम पहले एक तस्वीर में कैद हो गए थे और वो तस्वीर के अंदर वाली दुनिया में ये लिफ्ट खराब थी, लेकिन ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये समझदार छोटा सा बच्चा, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए हम इसको डोरेमोन कह रहे हैं। ये पैरेलल यूनिवर्स का डोरेमोन है जिसने इस लिफ्ट को सुधारने में हमारी मदद किया और इस लेबोरेटरी के दरवाजे तक लाने में हमारी मदद किया, और हमें पूरा यकीन है कि यही अब इस दरवाजे को भी खोल के देगा। सॉकेट में लगा दिए हैं और ये वाला दरवाजा खुल गया है, और इस दरवाजे के खुलते से ही हम इसमें एंटर कर जाते हैं, और यही है वो लेबोरेटरी जो दिखने में तो आलीशान और सुंदर दिख रही है, लेकिन समय के साथ साथ ही अपना भूतिया रंग दिखाएगी। ये बहुत बड़ा घर है, ये हमारी इमेजिनेशन से भी बड़ा घर है, और इस इमेजिनेशन से भी बड़े घर से निकलने से पहले इस लेबोरेटरी को हमको तहस नहस करना होगा। इस घर के अंदर इतनी सारी शैतानी शक्तियां, इतने सारे भूत प्रेत पिशाच बसे हुए हैं ना, कि हमको दुनिया की भलाई के लिए जब हमने रैबिट बिल्ली किसी को नहीं छोड़े तो हम इंसानों के बारे में सोचेंगे ही, तो हमको यहाँ से बाहर निकलने से पहले इस लेबोरेटरी, इस पूरे घर को ख़त्म करना होगा। आपको दिखा होगा सामने एक पिंक कलर का ताला और पिंक कलर की चाबी ऊपर लटकी हुई है। उस पिंक कलर की चाबी को निकालने के लिए हमारा हाथ तो जा नहीं रहा है, लेकिन ये क्या चीज़ है? क्या इस चीज़ की कोई मदद मिलेगी? ये तो शायद लेबोरेटरी है, तो उसके हिसाब से कुछ ये लिक्विड वगैरह कुछ ऐसा बन रहा है, और ये चालू नहीं हो रहा है। अभी एक ही चालू हो रहा है, मतलब सिर्फ रेड वाला चालू हो रहा है, और ये तीन खाली है। इसका मतलब ये है कि और कलर्स हमें मिलेंगे और वो कलर के मिक्सचर से ही कुछ ना कुछ होगा। ये भी नहीं चल रहा है और ये भी नहीं चल रहा है। देखो जैसा कि ये बोर्ड में दिखाई दे रहा है, एक ब्लू होगा और एक रेड होगा, दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा पिंक, और ये बच्चे को पिलाना है तो बच्चा इससे खुश होगा, उसके बच्चे के आंख में दिल आ रहा है, खुश होगा। ठीक है, तो रेड तो यहाँ पे है, और ब्लू के लिए ये देखो ये है, इससे हम निकाल, और शिट ये तो काटा, ये काट रहा है हमको, ये फूल काटने, ये जानलेवा वाला जहरीला फूल जो होता है ना जंगलों में, ये वो वाला फूल है, ये भूतिया प्लांट है भाई। इस प्लांट से ही हमको वो हार्वेस्ट मिलेगा, मतलब वो सीड मिलने वाली है। तो न्यूट हमारी मदद कर, डोरेमोन मदद कर इस को। अरे अरे अरे, डोरेमोन को भी मारा, डोरेमोन को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अभी। डोरेमोन मेरे लिए सब कुछ है, डोरेमोन कहाँ भाग के जा रहा है? डोरेमोन डर गया है यार, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब मैं ऐसी ऐसी भूतिया चीज़ों के सामने इस मासूम से बच्चे को रखूँगा। अरे ये दरवाज़ा खुला, बंद हो गया, खुला फिर बंद हो गया, यहाँ पर कुछ है क्या ऐसा खोलने का? ये खुला कैसे था फिर? खुला, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको इतना ही मतलब है, प्लीज़ यार बेटा मेरी मदद कर। क्या ये दरवाज़ा खुला हुआ है? नहीं, ये दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है। क्या सामने वाला दरवाज़ा खुलेगा? ये खुला, हाँ ये खुला, यहाँ पे चल के देखते हैं, ये भी लॉक्ड है, ये भी लॉक्ड है, और दूसरा वाला ये कुछ काम नहीं कर रहा है, और ये भी लॉक्ड है। नहीं, जितना समझ में आ रहा है हमें मेन हॉल में ही कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी मदद से हम उस फूल के हार्वेस्ट को निकाल पाएंगे जिससे हमको ब्लू कलर मिलेगा। क्या हो सकता है? डोरेमोन तू रुक यहाँ पे, तू रुक, मैं उस फूल को तोड़ने का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। जितना मुझे समझ में आ रहा है कि डोरेमोन ही मेरी मदद करने वाला है, लेकिन वो मेरी मदद कैसे करेगा? डोरेमोन तू रुक, मैं उसको देखता हूँ, कहाँ छोड़ूँ मैं तुझे, एक बार और ट्राई मारे, चल एक बार और ट्राई मार के देखते हैं, चल देख। अरे यार वो डोरेमोन को भी मार रहा है, नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा। इसके लिए कुछ तो एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के बारे में मैं, अगर मैं ऐसा उसके पीछे से जाऊँ, एक मिनट, कॉल का ऑप्शन आया जैसे ही मैंने कॉल की अपने डोरेमोन को, डोरेमोन आया और उसको देखो, अब वो शायद जो पेड़ था, फूल था, वो शांत हो गया और ये निकला हार्वेस्ट। ये हमको इससे हार्वेस्ट सीड या फिर फूल, जो भी कहो, फूल का बीज वो हमें मिला है, और जैसे समझ में आ रहा है
इसको इसमें डालना होगा, इसके बाजू वाले में, और इसका हम ये जो बटन है, बटन नहीं, इसका वो जो है वॉल्व है, इसके वॉल्व को ऑन करेंगे। पहले इसको ऑफ करते हैं, अब इसको करते हैं ऑन, और एक ही ऑन हुआ क्या? इसको ऑफ कर दिए, इसको ऑन किए, नहीं ना, दोनों होना चाहिए। इसको भी ऑन करते हैं, ये दोनों रेजेंट, एक कूल रेजेंट और एक हीट रेजेंट मिलके एक पिंक रेजेंट बनाए, और पिंक वाले को मेन को ऑन किए। ये देखो, ये यहाँ से भर रहा है, और ये कहाँ से निकलेगा? कोई नल वल तो दिख नहीं रहा है, नल नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे कुएं में आएगा, सही, एक नंबर। यू नीड अ बॉटल, मुझे एक बॉटल की ज़रूरत है। अरे यहाँ पे तो बॉटलों की भरमार है, ये लो, मैंने बॉटल में भर लिया, और सही हो रही। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एक मिनट, मेरे से गड़बड़ हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था शायद। उरे तेरी तो, भूतिया बच्चा भूत बन के आ गया था, मुझे वो चीज़ नहीं करना चाहिए था आई थिंक। अरे नहीं, ये बच्चा पहले भूतिया रूप धारण किया था, अब नॉर्मल बच्चे के रूप में आ गया है, मतलब ये जो मैंने निकाला हूँ, जो मैंने बनाया हूँ, वो उसको पीना चाहता है, और वो पी के खुश हो गया, आसमान में उड़ने लगा, और उसने वो चाबी निकाल लिया, वो पिंक वाली चाबी बच्चे ने निकाला, खांगे बच्चा, पिंक वाली चाबी बच्चे ने निकाला है, और इस पिंक वाली चाबी की मदद से हम पिंक वाला ताला खोलेंगे, और इस पिंक वाले ताले के अंदर पक्का कुछ ना कुछ होगा। एक मिनट यार, ये तो एक किचन है, और इस किचन के अंदर ये है, बॉटल्स रखी हुई है, इसमें बोल रहा है सर्च द किचन, लेकिन इस किचन में सर्च क्या करना है, इधर तो बहुत सारी चीज़ें, और एक दरवाज़ा भी है, और इस दरवाजे के पीछे एक और दरवाज़ा है, दरवाजे के पीछे दरवाज़ा, दरवाजे के पीछे दरवाज़ा। अरे यार नहीं, ये कैसी भूलभुलैया टाइप की जगह है, यहाँ पे कोई दरवाज़ा है, ये नहीं खुल रहा है, तो मतलब उतने ही लोकेशन में हमको कुछ ना कुछ सर्च करना है। और हमारा डोरेमोन भी यहाँ पर आया है, डोरेमोन इतना समझदार है ना, जहाँ उसको मौका मिलता है वो पेड़ों को पानी देते रहता है। इसको देख देख के हम अपने रियल लाइफ में भी इतने वो हो गए हैं। ये देखो, ये कुछ तो हमको मिला है, घुमाने वाला वॉल्व, और इस घुमाने वाले वॉल्व को यहाँ पर लगाएंगे हम, यहाँ पर, क्योंकि ये आते से हमने नोटिस कर लिए थे। बच्चे को डाल देते हैं उसमें, बच्चा से हमारा पीछा छूट जाएगा, थोड़ी देर के लिए चल जाएगा बच्चा, जान छूटेगी। ये अपने आप अंदर देखा है, बच्चा अंदर जा रहा है, वहीं पे बिल्ली बैठी हुई है, और वहीं पे एक चाबी थी। एक सेकंड, अब बच्चे ने हमें पिंक चाबी निकाल के दिया है, तो बच्चा ही हमें वो दूसरी चाबी जो अंदर ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है वो देगा, लेकिन बच्चे ने लेके नहीं आया, तो हम अपने डोरेमोन को भेजेंगे, हमारा हुक्म का हिक्का, डोरेमोन जा और बिल्ली के पास से वो वाली चाबी लेकर आ। कहाँ है डोरेमोन, कहाँ गया? अबे बाहर कैसे आया, कहाँ से बाहर आ गया, हाय क्या बोल रहा है? हाँ वॉल्व, हाँ वॉल्व में लेके आया, घुमाने वाला जो इसका स्टेयरिंग है, वो वॉल्व मैंने फंसाया हूँ, और इससे ही हमको वो चाबी मिलने वाली है। देखो डोरेमोन हमें हिंट दे रहा है, लेकिन वो हिंट उसका थोड़ा लेट हो गया, हमने वो काम पहले ही कर दिया अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से। दो और हमें रेजेंट चाहिए, एक हमें रेड मिल चुका है, एक हमें ब्लू मिल चुका है। ये वापस से भर रहा है, वापस से भर रहा है, तो क्या इसका यूज हम वापस से करें एक बार और? अरे चले गया वापस, ये वापस चले गया, ये वापस चले गया। काला पानी, काला पानी पिएगा बच्चा? नहीं, काला पानी नहीं पिएगा। क्या हो रहा है, ये चालू हुआ है ना, इसका मतलब एक बार और ये भरेगा। ये पी के बच्चा खुश हुआ है, अगर हम बच्चे को खुश करके वापस से उसमें डालें जिसमें अभी डाले थे, तो बच्चा हमारे लिए फिर से वो लेके आ सकता है ना। ये देखो, एक बार हम बच्चे को देखे देखते हैं, पहली बार दिए थे तो पहली पिंक चाबी हमको दिया था, इस बार देखे देखते हैं, क्या पता बच्चा ग्रीन चाबी भी दे दे। बच्चा ला दे यार, खुशी खुशी में तेरे को भेजूँ क्या, तू खुश है? तेरे को अंदर डाल के देखूँ क्या, चाबी लाएगा क्या? एक बार देखते ही, ये ट्राई खाली, मैं तुक्का मार रहा हूँ, ला दिया तो मज़ा आ जाएगा, ये मेरा तुक्का है पूरा पूरा। नहीं लाया यार, यस लाया, लाया यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ ये शैतानी बच्चा करेगा, इस बच्चे ने ये चीज़ करके दिखा दिया मुझे। वाह मेरे भूत, तेरे जैसे भूत सब लोग होने लगे तो फिर तो ये दुनिया अलग ही हो जाएगी। चाबी ला दिया ग्रीन वाली, चलो ग्रीन वाले ताले को खोलते हैं और इस लेबोरेटरी से बाहर निकलते। मुझे नहीं पता था कि मैं इस लेबोरेटरी से इतनी जल्दी निकल पाऊंगा, मुझे ये चीज़ लगना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद
जितना मुझे समझ में आ रहा है कि वो बुक जहाँ पर भी दिखाई दे रही है ना, वो बुक क्लूज देती है। और ये डोरेमोन भी बता रहा है कि आपका क्लू है कैंडल, पिंक कैंडल बुक में दिखा रहा है और यहाँ पे जगह जगह पर कैंडल्स है। डोरेमोन तो पहले सॉकेट में लग जा। सॉकेट से ये सीढ़ी घूम रही है और वहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है, बिल्ली के पास रोकते हैं। बिल्ली पकड़ लिए तो टेंशन ख़त्म ना, वो बिल्ली हमको बाहर लेके जा रही है। अरे बिल्ली भाग गई। अरे यार बिल्ली, तेरी मैं भलाई करना चाह रहा हूँ यार, और तू ही भाग रही है इधर से उधर। शायद ऐसा भी हो सकता है वो भाग नहीं रही है, ऐसा भी हो सकता है वो मुझे रास्ता दिखा रही है। बिल्ली इस दरवाजे के अंदर गई है, मतलब हमको इस दरवाजे से जाना है। अच्छी बिल्ली है, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, नीचे वाले दरवाजे से जाना है कि ऊपर वाले दरवाजे से जाना है। लेकिन बिल्ली यहाँ पे बैठी हुई थी तो बिल्ली ने हमको बताया कि भाई तेरे को ऊपर वाले दरवाजे से जाना है, नीचे एक बुक है और हमारा डोरेमोन है। दोनों की क्या कर रहा है ये बच्चा, डोरेमोन को मारा साले, टकले बच्चे डोरेमोन को मार रहा है, तेरे को फेंक देता हूँ नीचे से। मेरे भाई को तूने कैसे मारा, ले ले रो अब। मेरे भाई को कैसे मारा, मेरे भाई को मारा, उठा के फेंक दिया मैंने, शैतानी बच्चा। वैसे इतने से इसको कुछ होगा नहीं, ये रोने की नौटंकी कर रहा है, रो तू। हाँ बेचारा, इतना प्यारा मासूम बच्चा है मेरा डोरेमोन, उसको मार रहा है बुक से, रो रो तू अभी, तेरी नौटंकी नहीं चलेगी मेरे सामने, फेंक दूंगा उठा के, हाँ तोप में बांध के उड़ा दूंगा, दिमाग खराब मत कर। मेरा डोरेमोन बोल रहा है मेरे को पिंक वाली जो कैंडल्स है उससे कुछ करना है, तो ले डोरेमोन तो यहाँ पे लग जा। और पिंक वाली कैंडल यहाँ पे है एक, उसके पास हम चलते हैं। ये है फर्स्ट वाली पिंक कैंडल, पहले इस कैंडल के पास जाते हैं और देखते हैं कि क्या बता रही है ये बुक, क्या बता रहा है हमारा डोरेमोन, बता। हाँ भाई मैं समझ गया, एक ही चीज़ कितनी बार बताएगा तू, हट तो तभी तो मैं लिफ्ट में चढ़ पाऊँगा, लिफ्ट मतलब सीढ़ी में। ये है वो कैंडल और यहाँ से कुछ निकला, ये कोड जैसा निकला, ये कोड है सर्कल के अंदर डब्बा, सर्कल के अंदर डब्बा। और ऐसे और भी कैंडल्स हैं जैसे कि ये कैंडल के पास जाते हैं, बुक उठाने के लिए कह रहा है। ये चीज़ हम पहले क्यों नहीं समझे, बुक एक मिनट, ये एक निशान है, ये कुछ यूनिक त्रिशूल सा निशान है, यूनिक त्रिशूल, सर्कल के अंदर डब्बा, यूनिक त्रिशूल, सर्कल के अंदर एक और, फिर ये है कुछ अलग सा, एक दो तीन चार, एक अलग सा डब्बा में दो डंडी, सर्कल के अंदर डब्बा, फिर उसके बाद एक यूनिक त्रिशूल और एक डब्बे में दो डंडी। देखो ऐसा याद करना पड़ता है भाई, मैं बचपन में मैथ्स में भी ऐसी कुछ जो होती थी ना ड्राइंग्स वगैरह वैसे ही याद करता था। और ऊपर एक और कैंडल हमें नज़र आ रही है, उस कैंडल की तरफ चलते हैं। ये सीढ़ी हमारे डोरेमोन की मदद से चल रही है, डोरेमोन निकल जा, अच्छा साथ दे रहा है हमारा, इस बार सही पॉइंट में रुकी है। आओ देखते हैं इसमें क्या है। टोटल चार कैंडल्स थी, चार क्लूज हमें मिल रहे हैं और ये ट्रायंगल में दो लाइन, सर्कल के अंदर डब्बा, यूनिक त्रिशूल, डब्बे में दो डंडी, ट्रायंगल में दो डंडी। ठीक है हमें याद हो गए हैं सारे, अब हमें वापस से वहाँ जाना होगा दरवाजे के पास। दरवाजे के बाजू में आ जा डोरेमोन, फिर से तेरी ज़रूरत है, यही है ना, हाँ ठीक है। और कहीं पर भी नहीं है, और कहीं और कैंडल नहीं है, आ जा डोरेमोन तू हमको ऊपर पहुंचा, सीढ़ी को सही जगह पे ले जा। हमने सारे हैंडल के राज खोल लिए हैं, अब दरवाजे के बाजू में जो हमको दिखाई दिया था वो बिल्ली के टाइम पे वो कोड, उस कोड को हम अनलॉक करते हैं। ये देखो ये है वो कोड, एक मिनट क्या था, सर्कल के अंदर, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में। फाइनली हो गया, बहुत देर की कोशिश के बाद हुआ, और जितनी देर मैं कर रहा था उतनी देर तक ये भूतिया बच्चा मेरे भाई डोरेमोन को मार रहा था। लेकिन अब यहाँ से कहाँ जाना है, बिल्ली के खाने की प्लेट, ये चीज़ खुलेगी, बहुत सही। यहाँ से हम नीचे, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम इस भूतिया घर के बाहर निकलने के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ पर कहीं वो बिल्ली नहीं है, वो बिल्ली नीचे की तरफ ही गई हुई है और हमको सीढ़ी मिल गई है, हम इस घर से बाहर। ओए अरे साला, बच्चे ने धक्का मार के गिरा दिया, इसका मतलब ये कमरा सही नहीं था, हम यहाँ पे हो गए हैं ट्रैप। ले
और ये बच्चा राजा जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के आयरन क्राउन में आयरन थ्रोन में आके बैठ गया है। ये हमारी बैंड बजाने वाला है, लेकिन बेचारा ये बच्चा नहीं जानता है कि इसका पाला किस से पड़ा है। हम भी थोड़े प्रो होते जा रहे हैं, गेम में समझते जा रहे हैं। अगले एपिसोड में इसके छक्के छुड़ाएंगे और फाइनली हम इस बच्चे के इस भूतिया घर से बाहर निकलेंगे, जिस तरह से आज इस भूतिया लेबोरेटरी से बाहर निकल रहे हैं। इसके गेम को यहीं पे ख़त्म करते हैं आज। अब तक इस वीडियो को देख ले तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। बाकी हम बहुत जल्दी फिर से एक नए गेमिंग वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा।